कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कीवर्ड को ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास कीवर्ड की डेटा फाइल्स इकट्ठी होती चली जाएंगी अगर आपकी वेबसाइट बढ़ती चली जाएगी या आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो कीवर्ड बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनकी वेबसाइट छोटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5-10 पेजेस की वेबसाइट्स रखते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो कीवर्ड्स मैनेज कर लें, 2-4 फोल्डर्स में उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें, या फिर हर पेज की अगर 1 से 2 फाइलें भी बना लें तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है, अगर आपके 100, 200, 1000 या उससे ज़्यादा पेजेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, आपको कम से कम हर पेज की एक कीवर्ड फाइल तो चाहिए होती है, क्योंकि हर पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी होती है। अगर आप 1 से ज़्यादा फाइलें मैनेज करेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करें प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि आपको भी हेल्पफुल रहेगा, जब आपको दोबारा चाहिए आपको पता होगा किस फोल्डर में किस पेज के कौन सी कीवर्ड फाइल पड़ी हुई है, और उसके बाद अगर आपने यही फोल्डर या ये फाइलें अगर क्लाइंट के साथ शेयर करनी है तो आप बड़े आराम से इसको उसके लिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम कैसे इस कीवर्ड रिसर्च फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके लिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स के अंदर गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है जो हम यूज़ करते हैं एसईओ की रिसर्च के लिए। हम वही कीवर्ड के ऊपर दोबारा जाएंगे और उसके ऊपर हम जाके अपने मोबाइल स्टोर की दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने एक एज अ केस स्टडी ली है कि हम मोबाइल फ़ोन स्टोर को अगर हमने उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है एसईओ के लिए तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो गूगल एड्स का अकाउंट ओपन है, इस पर जाकर मैं टूल्स में जाऊँगा और प्लानिंग के पहले कॉलम के अंदर कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मेरे सामने गूगल कीवर्ड प्लानर खुल जाएगा। उसमें मैं फाइंड न्यू कीवर्ड्स करूँगा और उसमें मैं मोबाइल फ़ोन की रिसर्च करूँगा। जैसे मैं रिसर्च करूँगा, गूगल मुझे सारे कीवर्ड्स का डेटा शो कर देगा। और जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमें सिर्फ कीवर्ड्स और उसकी एवरेज मंथली सर्चेस चाहिए होती हैं एसईओ के लिए, बाकी सारा जो डेटा है वो सब एड्स से रेलिवेंट है, वो हमें नहीं चाहिए होता, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने टाइमलाइन लास्ट 12 मंथ्स की रखी है और मैंने कीवर्ड सर्च किया है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने पास डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के लिए टॉप पे जाके आप डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जब ये फ़ाइल डाउनलोड होगी तो वो मेरे पास फोल्डर में उसके जो नाम है वो उसकी डेट और कीवर्ड स्टैट के साथ गूगल ने मुझे बताया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अगर मैं सारी फाइलें ऐसे डाउनलोड करता रहूँ तो मैं बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँगा कि किस फाइल का क्या नाम है। तो मैं हर फाइल का नाम चेंज करूँगा उस कीवर्ड के साथ जो मैंने सर्च किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड मैंने मोबाइल फ़ोन्स के साथ सर्च किया, तो मैं इसको एडिट करूँगा। और ये याद रखने के लिए कि मैं कीवर्ड फाइल है ये, मैं KW लिखूँगा जो कीवर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, उसके इनिशियल्स हैं, और मैं साथ ही कीवर्ड लिखकर डैश डाल के मोबाइल फ़ोन्स लिख सकता हूँ। अब ये मेरा तरीका है ऑर्गेनाइज़ करने का, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको कोई बेहतर लगता है कि आप किसी और अंदाज से ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं अपनी फाइलों की, या और आपका और कोई फेवरेट तरीका है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेट पर्पस हमारा ये है कि ये कीवर्ड फाइलें आपको जब चाहें आप तब आपको मिल जाएं। तो अगर आप इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, अगर आप इनको प्रॉपर फोल्डर में नहीं रखेंगे, तो ये बहुत जो है वो जंबल अप हो जाएंगी, आपको बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा किस कीवर्ड के अंदर या किस फाइल के अंदर कौन सी कीवर्ड की रिसर्च पड़ी हुई है। तो मैं याद रखने के लिए कीवर्ड का इनिशियल डालता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये कीवर्ड की फाइल है, और फिर मैं साथ कीवर्ड भी लिख देता हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने ये रिसर्च की थी। और इससे मुझे आसानी हो जाती है कि जब भी मैंने दोबारा इस पर्टिकुलर कीवर्ड की रिसर्च खोलनी है, बजाय इसके कि मैं गूगल पर दोबारा जाके सर्च करूँ, मैं एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकता हूँ और उसमें मैं अपना डेटा सारा देख सकता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर कि मैंने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स रिसर्च करके रखे हैं आपके लिए। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इनको ऑर्गेनाइज करूँगा गूगल ड्राइव के अंदर। गूगल ड्राइव हमें ये सहूलत मुहैया करता है कि हम अपनी फाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये कुछ स्पेस भी नहीं लेता और ये फिर क्लाउड पर सिंक भी हो जाती है। अगर मैं ऑफिस में जाके अपनी फाइल्स ओपन करना चाहता हूँ तो मेरे गूगल के अकाउंट के साथ लिंक्ड है, मैं जब भी चाहूँ जहाँ से भी चाहूँ, मोबाइल से या ऑनलाइन या डेस्कटॉप से, जहाँ पर भी इंटरनेट अवेलेबल है मुझे, मैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं सारी की सारी एसईओ की रिसर्च गूगल ड्राइव पर रखता हूँ ताकि हमें उसको शेयर करना और उस पर काम करना आसान हो। गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के लिए मैं गूगल ड्राइव के फोल्डर में जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने विश्व यूनिवर्सिटी एसईओ कोर्स के
अंदर मोबाइल फ़ोन स्टोर जो क्लाइंट का नाम है उस नाम से एक फोल्डर बना रखा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए रिसर्च करेंगे आपने उस क्लाइंट के नाम या उस क्लाइंट की डोमेन के नाम से फोल्डर बनाना है ताकि आपको ये याद रहे कि इस क्लाइंट का जितना भी डेटा है वो इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप अपनी वेबसाइट की भी रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उस डोमेन का नाम याद रखें ताकि आपको बाद में उसको एक्सेस करना या फाइंड करना आसान हो। तो फिलहाल मैंने इसका नाम मोबाइल फ़ोन स्टोर रखा है, आप एक्चुअल वेबसाइट या एक्चुअल अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा कीवर्ड रिसर्च के नाम से ताकि मैं सारा का सारा कीवर्ड जो रिसर्च का डेटा है मैं इसके अंदर अपलोड कर सकूँ। कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैं दो फोल्डर क्रिएट करूँगा, एक मैंने रिसर्च की है मोबाइल फोन्स कीवर्ड के अगेंस्ट और दूसरा फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज, और इसकी मैं कीवर्ड रिसर्च पहले से ही कर चुका हूँ। और कीवर्ड सर्च का वही तरीका है जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया था उसी तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस या बाय मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च किया ताकि हम इनको गूगल से हम मैक्सिमम डेटा निकाल सकें कि कौन सा कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल कौन सी क्वेरीज दिखाता है। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं मैक्सिमम डेटा अंडरस्टैंड कर लूँ कि कितने लोग मेरी प्रोडक्ट्स को या हमारी प्रोडक्ट्स को या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को किन नामों से या किन सर्चेस के साथ ढूंढ रहे हैं। ये डेटा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें ये ही नहीं पता कि हमारा कस्टमर हमें ढूंढ कैसे रहा है तो हम उसके ऊपर रैंक ही नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट एसईओ नहीं कर सकते, और अगर हम एसईओ नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो सेल्स या लीड्स नहीं आएंगी और अल्टीमेटली हमारी मार्केटिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली है उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आप राइट टाइम पर राइट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, और जब नहीं अवेलेबल होगा तो आपको फिर वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। अभी मैं इस फोल्डर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मैं मोबाइल फ़ोन्स की सारी कीवर्ड रिसर्च अपलोड करूँगा, और उसको अपलोड करने के लिए मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे गूगल ड्राइव के आइकन के नीचे न्यू का बटन है उसको क्लिक करूँगा और यहाँ से फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जब आप ये फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो जहाँ पर आपने फ़ाइलें सेव की हैं वहाँ पर आप जाकर उन फ़ाइलों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने अपलोड करनी है। मैंने चार कीवर्ड की रिसर्च पहले से कर रखी है आपके लिए, जैसे मैं उनको सेलेक्ट करूँगा वो और अपलोड करूँगा तो वो गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गूगल ड्राइव में जब भी आप कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं उसका फॉर्मेट वही रहता है जिस फॉर्मेट में फ़ाइल बनती है। अब हमें क्योंकि गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव का फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी फ़ाइलें कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो आपने एक काम करना है, आपने इसको अपलोड करने से पहले गूगल ड्राइव में सेटिंग्स में एक सेटिंग ऑन करनी है जिससे आपकी ये ऑटोमेटिकली सारी फ़ाइलें कन्वर्ट हो जाएंगी जो कि एक्सेल फॉर्मेट से गूगल ड्राइव की शीट फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगी। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे उसको ऑन कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव में टॉप पे जाएंगे और जहाँ पर आपको सेटिंग्स का बटन मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें आप सेटिंग्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपको पहली ऑप्शन नज़र आएगी स्टोरेज की। स्टोरेज में आपको जो भी आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं वो आपको डेटा नज़र आएगा, लेकिन उसके नीचे कन्वर्ट अपलोड्स की एक ऑप्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी चेक करके रखी हुई है। अगर आपका ये चेक नहीं है तो इसको चेक कर लें और उसके बाद डन कर दें। जैसे आप ये करेंगे और इसके बाद जितनी भी फाइलें आप अपलोड करेंगे गूगल उन सबको कन्वर्ट कर देगा जैसे कि उसने मेरे सिस्टम पे कर दी हैं। अब मैं किसी भी एक फ़ाइल को ओपन करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि गूगल ने मुझे सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले उसने अपनी फ़ाइल का नाम रखा हुआ है, उसके बाद उसने डेट्स बताई हैं मुझे कि वो लास्ट कब से कब तक मुझे वो डेटा दिखा रहा है, और उसके बाद मुझे वो कीवर्ड्स का डेटा दिखा रहा है जिसमें मुझे कॉलम ए में कीवर्ड्स, कॉलम बी में प्राइसेस जिस करेंसी में उसने कीवर्ड्स के रिसर्च किए हैं, सी में उसकी एवरेज सर्च चीज, डी में उसकी मिनिमम सर्च वॉल्यूम और ई में मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम। सो हमें एसईओ के लिए ऑलमोस्ट यही चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि गूगल हमें एग्जैक्ट कीवर्ड की सर्चेज नहीं देता, वो हमें सिर्फ रेंज देता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये गूगल आसानी कर देता है कि आप अपनी मिनिमम रेंजेस और मैक्सिमम रेंजेस साइड बाय साइड दो कॉलम में देख सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। ये चूंकि वेग वैल्यूज़ हैं लेकिन स्टिल इट्स अ हेल्पफुल वैल्यू कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। सो यहाँ से मुझे डेटा ऑर्गेनाइज करना आसान है। अब मैं इसको यहाँ मज़ीद इस पर काम कर सकता हूँ। इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम एफ से लेकर बाकी सारे कॉलम्स जो हैं वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो एड से रिलेटेड हैं तो मेरे लिए वो हेल्पफुल नहीं है।
तो मैं अपनी एसईओ को इस कॉलम ई तक ही महदूद रखूँगा और इसी डेटा को मैं यूज़ करूँगा। इसमें हम एक और चीज़ भी करेंगे, हमें क्योंकि सॉर्टिंग इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइज रखनी है, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैं इसको फ़िल्टर लगाकर सॉर्टिंग कर सकता हूँ। सो फिल्टर लगाने के लिए गूगल ड्राइव में मैं दो काम करूँगा। सबसे पहले तो मैं कॉलम ए से पहले एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगा। कॉलम क्रिएट करने के लिए मुझे कॉलम ए को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पर जाना है और एक न्यू कॉलम लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। कॉलम ए कॉलम बी बन जाएगा और कॉलम ए एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग दे दूँगा, नंबरिंग के लिए मैं उसके टाइटल दूंगा, वन लिखूंगा, टू लिखूंगा और एक शॉर्टकट की है मेरे पास। जैसे मैं वन और टू को सेलेक्ट करूंगा और नीचे अगर आप ये बॉक्स देख रहे हैं इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो जितना भी वो नीचे एम्प्टी सेल्स थे वो गूगल उन सब सेल को ऑटोमेटिकली नंबर सॉर्ट कर देगा और वो जितने भी आपकी कॉलम बी में कीवर्ड्स हैं उनके साथ वो सब नंबरिंग लग जाएगी। एक आसान तरीका है आपको पूरे शीट को नंबर करना। जैसे ही मैं ये कर लूँगा मैं टॉप पे वापस जाऊँगा, जितने भी कॉलम मुझे अवेलेबल हैं मैं सबको सेलेक्ट करके और जितने भी मुझे रोज़ अवेलेबल हैं उन सबको सेलेक्ट करके नीचे तक मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो कि आप टॉप राइट में गूगल की ये ऑप्शन बार से आप देख सकते हैं, उसमें क्रिएट अ फिल्टर का बटन है, मैं उसको क्लिक करूँगा और उसमें एक ये छोटा सा एरो क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं सब डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज़ के साथ। ये करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मुझे मैंने ये ऑन की ऑप्शन, मैं कॉलम एफ में जाकर अपनी मैक्सिमम सर्चेज या कॉलम ई में जाकर मिनिमम सर्च वैल्यूज़ को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट। उसको करने के लिए मैं उस पर क्लिक करूँगा, मिनिमम सर्च वैल्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और उसमें मैं डाउन एरो पर क्लिक करूँगा और जी टू ए सॉर्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने सॉर्ट किया आप देखेंगे बाकी सारी की सारी रोज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं और ये मुझे हेल्प करेगा मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सबसे हाईएस्ट सर्चेज हैं वो ऊपर आ जाएं और जो उससे कम सर्चेज हैं वो ऐसा ऐसा नीचे तक चली जाएं और सबसे आखिर में वो सर्चेज हैं जिनकी बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है या कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम अपने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करेगी अच्छी एसईओ करने में, क्योंकि एसईओ करना इटसेल्फ एक आर्ट है लेकिन उसके लिए आपको टूल्स भी अंडरस्टैंड करने होते हैं कि आपको कौन से टूल्स उसको आसान करने में हेल्पफुल रह सकते हैं। गूगल ड्राइव, गूगल कीवर्ड रिसर्च और सब डेटा गूगल ड्राइव में मैनेज करना बड़ा आसान है, तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी।